हेलो मित्रों, मैं आज बताऊंगा आपको यामाहा फसिनो हाइब्रिड के बारे में। क्या फीचर्स है, कौन सा मॉडल है, सब डिटेल में आपको बताऊंगा। क्या क्या इसके अंदर फीचर्स आएंगे, क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, हम सब के बारे में अब बात करेंगे। पहले आप इसका लुक देख लीजिए। यह यामाहा 125 सीसी हाइब्रिड फसिनो 2023 का मॉडल है। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला, फुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, तो आगे का वीडियो आप ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब करें। पहले आप बस की बात करेंगे, यामाहा फसिनो 125 सीसी का इंजन आएगा, हाइब्रिड मॉडल आएगा, ठीक है। और ये आप लुक देख सकते हो, पूरा रेट्रो लुक के अंदर दिया है हुआ है ये फसिनो का। ये डिलक्स वेरिएंट है, इसके अंदर जो फैन आएगा, जो पंखा बोलते हैं उसको, मेटल के अंदर दिया हुआ है। और पीरा बॉडी है पूरा, ए बी साइबर में दिया हुआ है। इसके अंदर ड्यूल कलर में दिया हुआ है, नीचे ये दिख रहे हो ब्लैक में दिया हुआ है, ड्यूल टोन कलर के हिसाब से पूरा देख सकते हो। ये कूल ब्लू कलर का है, इधर देख सकते हो आप, क्रोम दिया हुआ है, स्टील में दिख रहा है वो चमक वाला, देख सकते हो। इधर भी दिया हुआ है क्रोम, इसमें भी दिया हुआ है, पीछे भी दिया हुआ है, साइड में देख सकते हो आप। नीचे जो दिया हुआ है वो देखो, डिजाइन वगैरह सब दिया हुआ है प्लास्टिक बॉडी के अंदर। और सीट का कलर चेंजेस दिया हुआ है, क्योंकि ब्लू कलर में है, चॉकोल ब्लू कलर में, उसके हिसाब से डिफरेंट सीट दिया हुआ है। देख सकते हो इस तरफ भी दिया हुआ है क्रोम वगैरह, ग्लास में भी दिया हुआ है, मिरर के अंदर भी दोनों तरफ दिया हुआ है। और पूरा बॉडी देख सकते हो आप, अभी ऐसे सीट लगाया हुआ है, लेडीज़ के लिए बहुत कंफर्टेबल। और इसका लाइट वेट वजन है 99, इतने कि 99 किलो वजन इसका अंदर आएगा। और पूरा बॉडी पैक दिया हुआ है, देख सकते हो, ये लेडीज फुटरेस्ट दिया हुआ है, इधर फसिनो का लोगो दिया हुआ है सिल्वर कलर के अंदर, ये देख सकते हो आप, स्टिकर वगैरह भी दिया है। और पीछे की बात करते, पीछे भी एलईडी दे दिया हुआ है दोनों तरफ के अंदर, इंडिकेटर के अंदर। और ब्लैक कलर का जो पड़िया बोलते हैं अपने, वो भी दे दिया, देख सकते हो इसके अंदर। और पीछे का कुछ तरफ से ऐसा लुक आता है, देख सकते हो, यामाहा का लोगो भी दिया हुआ है, लोगो भी दे दिया हुआ है। ये एसेसरीज बोलते हैं इसके अंदर, कि गिरे विरे एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हुए तो इसके अंदर सेफ्टी के लिए जो दिया हुआ है वो गार्ड बोलते हैं इसके अंदर। इस तरह भी फसिनो दिया हुआ है, देख सकते हो, पूरे ब्लैक कलर का दिया हुआ है मटेरियल, साइलेंसर कवर, ये पेंडल दिया हुआ है साइड पेंडल। और ये अपने देख लेंगे स्टार्ट करके, कुछ इस तरफ का डिस्प्ले आता है, स्टार्ट एंड स्टॉप का ऑप्शन भी दे दिया है इसके अंदर, जो अपने गाड़ी में आता है, फोर व्हीलर में भी ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप। आप मानो कि आप जा रहे हो कहीं हाईवे पे या फिर सिटी में, इसका टेम्परेचर डिग्री इंजन की तरफ पकड़ता है तो ऑटोमेटिकली ये बाइक अपना है वो जो शट डाउन हो जाता है, इंजन कटआउट हो जाता है, बल्कि आपका पेट्रोल जो है ज़्यादा। अब इसकी माइलेज की बात करें अपने, तो इसका माइलेज आता है 15 तक आ सकता है, 45 से 15 तक आ सकता है। अगर कस्टमर लाते हैं जो सब, उसके हिसाब से 55 तक पिया सकता है। जैसे आप गाड़ी चलाओगे वैसे आपको अंदाज़ा मिलेगा। और इसके फसिनो के अंदर डिस्प्ले भी अवेलेबल है। बात कर रहे हैं तो ऑटो स्टार्ट की, जो अपना फ्यूल सेव है वो फ्यूल बच सकता है, और आप जो जितनी देर भी खड़े रहो बाइक बंद रहेगा। और जाते समय आपको स्टार्ट करना है, इजीली लीवर दबा के एक्सीलेटर दबाओगे और चालू हो जाएगा। इसके अंदर देख सकते हो मीटर की कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है, चालू रहेगा आपको मालूम पड़ जाएगा कि इंजन में कोई दिक्कत है। यहाँ से पास लाइट भी हो सकती है। और साइज 10 कटआउट है इसके अंदर, जो आप घोड़ी चढ़ा के रखोगे तो आप चालू करोगे तो चालू भी नहीं होगा ये बाइक, घोड़ी आप खड़ी कर दोगे फिर आपका बाइक चालू होगा। अब देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट होगा, चालू हो गया ये। इस तरह से दिखेगा, फास्ट लाइट दिखेगी अपने को, यहाँ से लाइट दोनों चालू होगी, स्टार्ट हो, देख सकते हो यहाँ पे इंडिकेटर का है ऑप्शन। बाइक हो जाएगा बंद, बाइक बंद हो गया है, घोड़ी स्टार्ट कर गई, तो डिक्की भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, चालू हो जाएगी। यहाँ से आपको दाबी तरफ घुमाना है और यहाँ से सीट जो है खुल जाएगी। इसके अंदर डेक स्टोरेज दिया हुआ है 21 लीटर का, और फ्यूल दिया हुआ है 5.25 लीटर का, आप 5.25 लीटर पेट्रोल पुरा सकते हो इसके अंदर।
अब यहाँ बात करेंगे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की। तो ये ब्लूटूथ का डोंगल है, तो आप देख सकते हो ऐसा डोंगल आता है इसके अंदर, सीटिंग के अंदर। और यहाँ पे देखेगा आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन जो है, हैंडस्फेरी ब्रेक का, चारों तरफ के इंडिकेटर चालू हो गए और हॉर्न बजेगा, और राइडिंग हिस्ट्री है जो आप कहाँ कहाँ जाते हो राइडिंग करने के लिए, राइडिंग दिखाएगा। लोकेट बाइक है तो अपने पार्किंग में बाइक खड़ा होता है, इसके रेंज में आता है, आप कनेक्ट करोगे लोकेट बाइक के अंदर, वो आपको दिखेगा। चारों तरफ का इंडिकेटर स्टार्ट होगा और इंडिकेटर और हॉर्न भी बजेगा साथ में। और चौथा ऑप्शन है हैजर्ड का, आपने चालू बाइक में आप चारों बाइक इंडिकेटर स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको लुक दिखा देता हूँ मैं, ऐसे लुक दिखता है पूरा, आप देख सकते हो।